गाइज ये है एकता कपूर और तुषार कपूर का घर कृष्णा वन कृष्णा टू। जो कृष्णा वन है वो एकता कपूर की पूरी बिल्डिंग है और जो कृष्णा टू है वो पूरी की पूरी बिल्डिंग तुषार कपूर की है। तो आज की इस वीडियो में आपको इस घर का पूरा ब्लॉग दिखाने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के व्लॉग। दोस्तों अभी हम अनुपम खेर सर के घर का वीडियो बना रहे थे और उन्हीं के पड़ोसी निकले हैं जितेंद्र कुमार और यहां पर तुषार कपूर। जी हां दोस्तों, सिर्फ है उनके एक घर के बाद उन लोगों का घर है। तो उन लोगों का घर कैसा है, कहां पर रहते हैं, और तो आज की इस वीडियो में हम उनका भी घर दिखाने वाले हैं, तुषार कपूर सर का और जितेंद्र सर का। और आपको बता दें कि जितेंद्र सर, तुषार कपूर सर और अनुपम खेर और अनिल कपूर जो हैं ये बहुत ही खास पड़ोसी हैं, क्योंकि इनका घर एक दूसरे के आजू बाजू में ही है। तो अभी फिलहाल हम देखिए कहां पर खड़े हैं, इस चौक का क्या नाम है, NH Road 7 पे हम लोग खड़े हैं। तो चलिए फिलहाल उनके घर का वीडियो बनाकर आपको दिखाते हैं। तो गाइज यहां पर देख सकते हैं अंधेरी वेस्ट लिखा हुआ है, NH Road 7, और इसी के जस्ट बगल में ये जो गली गई है, इसी गली में जो है कि जितेंद्र कुमार, तुषार कपूर, अनिल कपूर, अनुपम खेर सर रहते हैं। और ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ये वाली, ये येलो कलर में, यही जितेंद्र कुमार सर का और उसके बाजू में तुषार कपूर सर का घर है। इसका क्या नाम है सब कुछ आगे चल के आपको बताएंगे। फिलहाल चलिए थोड़ा सा नज़दीक चलते हैं और इस घर को पूरा कवर करके हम आपको दिखाते हैं। आपको बता दें जो कृष्णा वन वाली बिल्डिंग है उसमें जो एकता कपूर है, जितेंद्र कपूर की बेटी, वो रहती हैं इसमें, लेकिन टोटल फ्लैट में नहीं रहती हैं, सबसे ऊपर वाले में और उसके नीचे वाले फ्लैट में रहती हैं। और बाकी का जितना भी फ्लैट है उसको पूरा का पूरा रेंट पे दे चुकी हैं। और जो यहाँ पर उनके बेटे हैं तुषार कपूर, ये वो कृष्णा टू वाली बिल्डिंग में रहते हैं, यानी इसके बगल वाली जो बिल्डिंग है वो पूरी इनकी है। और आपको हम बता दें कि ये भी सिर्फ दो फ्लैट में रहते हैं और बाकी का पूरा फ्लैट उन्होंने रेंट पे दे रखा है। गाइज ये जो बिल्डिंग है इसका नाम है कृष्णा वन, ये वाली जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग एकता कपूर की है और इसी में एकता कपूर रहती हैं और उनको शांत माहौल बहुत ही पसंद है। और इसके आगे जो बगल में बिल्डिंग है जिसका नाम है कृष्णा टू, यहाँ पर देखिए ये वाला, ये है उनके बेटे तुषार कपूर की बिल्डिंग, यानी ये पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी बिल्डिंग तुषार कपूर सर की है, जो कि बहुत ही आलीशान है। और जितेंद्र कुमार जी जो हैं वो अपने आलीशान बंगले में रहते हैं, उनके बंगले की प्राइस गाइस 200 करोड़ रुपए है। फिलहाल आपको उनके भी घर का ब्लॉग दिखाएंगे और उनके दोनों बेटे यहीं पर रहते हैं, जो एक बेटी है एकता कपूर और तुषार कपूर यहीं पर रहते हैं लोग। और आपको बता दें जो जितेंद्र कपूर जी की पत्नी है शोभा कपूर, यानी तुषार कपूर और एकता कपूर की माता जी, वो अक्सर अपने बच्चों के साथ ही आकर रहती हैं। और जो दूसरा आलीशान बंगलो है जहां पर जितेंद्र कपूर जी रहते हैं वहां से सिर्फ इसकी दूरी 5 मिनट की है, यानी लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं। गाइज इतना ही नहीं, एक्टर तुषार कपूर के पास दौलत की कमी बिल्कुल नहीं है, लेकिन उन्होंने बचपन से ही हमेशा हर तरह की सुख सुविधा पाई है। इस सब के बावजूद भी उन्होंने आज तक शादी ही नहीं की है। जी हाँ, आपको बता दें इतना ही नहीं, एक्टर ने भले ही सिंगल रहने का निर्णय लिया है लेकिन वह एक बच्चे के पिता भी हैं। तुषार कपूर ने सरोगेसी का सहारा लेकर जून 2016 में उसके जरिए बेटे लक्ष्य कपूर के पिता बन गए हैं। और गाइज वहीं पर एकता कपूर के करीब 12 सीरियल्स ने 1000 से अधिक एपिसोड पूरा करने का रिकॉर्ड भी बनाया है इन शोज में, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही कहानी, घर घर की कसौटी जिंदगी की, कुसुम, कुमकुम भाग्य, ये है मोहब्बतें जैसे शो में ये शामिल हैं। और उनमें बहुत ही अच्छा इन्होंने अपना कैरेक्टर भी निभाया है। 2000 में क्योंकि सास भी कभी बहुत सीरियल को दर्शकों ने खूब पसंद किया था और उसमें मुख्य भूमिका इन्होंने ही निभाया था। दोस्तों आपको बता दें ये दोनों जो बिल्डिंग है ना, इस दोनों बिल्डिंग के 4 गेट हैं, यानी कृष्णा वन वाले बिल्डिंग में 2 गेट और कृष्णा टू वाले बिल्डिंग में 2 गेट हैं। और यहीं पर तुषार कपूर जी की नेटवर्थ की बात करें तो इनका नेटवर्थ करीब 37 करोड़ रुपए है, यानी $5 मिलियन है। और इनका मंथली इनकम करीब 50 लाख रुपए है
और ये ईयरली इनकम 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमा लेते हैं। और गाइस जितना ही नहीं, आखिर एकता कपूर भी जितेंद्र कपूर की बेटी हैं, तो वो पीछे कैसे रह सकती हैं। आपको बता दें कि एकता कपूर के पास करीब 15 मिलियन डॉलर यानी लगभग 116 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। इसमें आलीशान घर से लेकर लग्जरी कारें तक शामिल हैं। एकता कपूर के पास मुंबई में एक आलीशान बंगला है जहां अक्सर उनकी फेमस दिवाली पार्टी होती है। इस बंगले की कीमत तकरीबन 7 करोड़ रुपए है। मुंबई की भीड़ भाड़ से दूर इस बंगले की सजावट देखने लायक है। आपको बता दें, ये जो बंगले आपको हम दिखा रहे हैं यानी ये जो बिल्डिंग है, इसमें जो घर का अंदर का इंटीरियर है वो काफ़ी अच्छे से उसको सजाया गया है, यानी दोनों बिल्डिंग काफ़ी कमाल की है। एकता कपूर और उनके भाई तुषार कपूर के 7th रोड जुहू पर कृष्णा 1 और कृष्णा 2 के नाम से 2 बिल्डिंग्स हैं। इसमें एकता कपूर कृष्णा 1 की मालकिन है। आपको बता दें कि इनके पास कई सारी लग्जरी कारें भी हैं। एकता के पास बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी कार है जिसकी मुंबई में कीमत तकरीबन 3.9 करोड़ से लेकर 4.11 करोड़ रुपए तक जाती है। और इनके पास 2 और कार शामिल है। गाइज, एकता कपूर को मर्सिडीज कंपनी की कारें बहुत ही अच्छी लगती हैं। उनके पास तकरीबन 2 करोड़ रुपए तक की कीमत वाली मर्सिडीज मेबैक S1500 और इसी कंपनी की तकरीबन 71 लाख रुपए की एक वेंज V220D भी इनके पास है। गाइज, अगर एकता कपूर की कमाई की बात करें तो वो प्रोड्यूसर भी हैं। उनके 2 प्रोडक्शन हाउस और एक OTT प्लेटफॉर्म है। एकता बालाजी टेलीफिल्म्स के बैनर TV सीरियल बनाती हैं। बालाजी मोशन पिक्चर्स के अंतर्गत फिल्मों का निर्माण करती हैं और अब वे अपने OTT प्लेटफॉर्म ALT बालाजी के जरिए दर्शकों तक फिल्में और वेब सीरीज भी पहुंचाती हैं और उससे उनकी मोटी रकम भी कमाई होती है। और गाइज, अगर वहीं पर तुषार कपूर के कार कलेक्शन की बात करें तो तुषार कपूर के पास एक रेंज रोवर वॉग और ऑडी Q7 और टोयोटा इनोवा शामिल है। और इसके अलावा तुषार कपूर के पास मुंबई में 3 और फ्लैट हैं। गाइस, तुषार कपूर की कुल संपत्ति लगभग 37 करोड़ रुपए है और ये पर फिल्म 2 से 3 करोड़ की मोटी फीस भी लेते हैं और कई ब्रांडों के विज्ञापन भी ये करते हैं। इनके पास एक पोर्स KNA और ऑडी Q7 और BMW 7 जैसी महंगी गाड़ियां भी हैं। गाइस, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि तुषार कपूर और एकता कपूर कहाँ रहते हैं और इसके अलावा जितेंद्र कपूर जो हैं वो आलीशान अपने बंगले कृष्णा में रहते हैं। जल्द ही गाइज आपको जितेंद्र कपूर जी के घर का जो बंगलो है, 200 करोड़ का बंगला, उसका भी ब्लॉग दिखाएंगे। तो आज की इस ब्लॉग में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद।